नमस्कार, मैं हूं पराग गुप्ता। कैरियर मंत्रा स्पेशल में आपका स्वागत है। सेज ग्रुप की साक्षी से मिलवाने आज हम आपको जा रहे हैं, जो सिंगापुर से सपनों को लेकर साकार करने के लिए स्वदेश यानी कि भारत आ गए हैं और पिछले 40 सालों से एजुकेशन समेत कई सेक्टर में नए कीर्तिमान स्थापित कर चुके सेज ग्रुप को नया आयाम दे रही है। कोरोना काल में भी ऑनलाइन स्टडी को कम खर्च में कैसे स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जाए और लॉकडाउन में कई लोगों को बेरोजगार होने से भी बचाया, लॉकडाउन और कोरोना काल में चुनौतियों से कैसे पार पाना है, सेज ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साक्षी अग्रवाल से जानेंगे। हाय, आई एम साक्षी अग्रवाल। आई एम दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेज ग्रुप। सेज ग्रुप इज डाइवर्सिफाइड इनटू रियल एस्टेट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। हम लोग 4 डिकेड से भोपाल में और इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में एक अपना सोसाइटी को देने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। पापा ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी 1983 में रियल एस्टेट से, और मैं भी एक बिजनेस फैमिली में बॉर्न हुई हूँ एंड बचपन से ही मेरी रग रग में बिजनेस दौड़ता है। और बिजनेस मतलब कि सोसाइटी को हम कैसे बहुत बेहतर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए खुशियां बांट सकते हैं। तो हम एजुकेशन और लोगों को परिवार और घर देते हुए अपना कर्तव्य करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब कोरोना की वजह से भोपाल में लॉकडाउन हुआ था ऑन 22nd of March, उस टाइम 22nd of March वॉज अ संडे। ऑन सैटरडे हमने पूरी मीटिंग ली हर एक इंसान की जो हमारे कॉलेजेस में है, और उनको एक चीज अच्छे से समझाई, कोरोना वायरस इज अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज फॉर एजुकेशन। एजुकेशन में इतने टाइम्स इंडिया में जो डिसरप्शन नीडेड था, वो कोरोना वायरस ने हमको क्यों, क्योंकि हमको फोर्सफुल कर दिया कि आपको क्लासेस लेनी है ऑनलाइन। और हम लोग, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, हमारी क्लासेस चलनी ही चलनी चाहिए ऑनलाइन। हमने उसी दिन, हमारे बहुत अच्छे लोग पूरे ग्रुप में जो है, उन्होंने सैटरडे संडे को बैठ के टाइम टेबल बनाया, उसको पब्लिश करा, और हमारी क्लासेस ऑन 23rd मंडे से वैसी शुरू हो गई जैसे वो फिजिकल क्लासरूम में आके शुरू होती। तो हमारे लिए कोरोना ने जो करा है, हमको सीख दी है, चैलेंज मिला ना हमको, हमको चैलेंज मिला और हमने उसके आगे बढ़ के उसको हमने ग्रैब करते हुए और अच्छे माध्यम से करा। हमारे अभी तक कुछ 50,000 से ज्यादा क्लासेस पूरे ग्रुप में, मैं बोल रही हूँ, हुई है। हमने कोरोना की वजह से एक आया, क्योंकि हम लोग, आपने जैसे बोला एजुकेशन में, एजुकेशन का मतलब नॉलेज आपके बांटने से बढ़ती है। तो अगर नॉलेज बांटने से बढ़ती है, उसी अंतर्गत हमने सेज टॉक्स करके एक इनिशिएटिव बाय सेज ग्रुप शुरू करा, जिसमें हम डिजिटली लोगों को कनेक्ट करते हैं। उस इनिशिएटिव के अंतर्गत हमने अभी तक 2 महीने में सर 600 से ज्यादा सेज टॉक करवा ली है। 600, आई हैव दी नेम, फिगर, गेस्ट नेम, एवरीथिंग, और हमने 1,00,000 लोगों को टच करा है। मैं आपको बताऊं, हमारी एक कॉर्पोरेट ग्रुप है। सेज ग्रुप में हम लोग कुछ 2,500 लोग हैं, और उस ग्रुप में हम लोग के कॉर्पोरेट मेंबर कुछ 30 हैं ओनली। और उनको हमने, जैसे लॉकडाउन हुआ, रोज हम लोग सुबह उनसे बात करते थे। मेरी एनर्जी, हमारे सीएमडी सर की एनर्जी, पापा की एनर्जी, सबके पास जब जाती है तो हर किसी को ड्रॉप डाउन इफेक्ट। हमने इनको मोटिवेट करा जाके, वो जाके पूरी अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। तो बहुत बड़ा रोल होता है कोरोना में लीडर का, एक कंपनी में अपने लोगों को पैनिक से हटाना, उनको सही डायरेक्शन में मोटिवेट करने का। तो हमने इसकी वजह से रोज हमने मीटिंग्स ली थी। सुबह हमारी मीटिंग्स 8 बजे शुरू हो जाती थी, हम लोग पूरे उनके अटेंडेंस रिव्यू लेते थे। हमारी अटेंडेंस जो 80% होती थी जब फिजिकल क्लासरूम में आता था, अब हमारी 90% हमारी अटेंडेंस होती है, 90-95% अटेंडेंस होती है। तो हमने ये पूरी प्लानिंग करी कि हम स्कूल में भी, मैं अगर बताऊं, हमारे पास एज इंटरनेशनल स्कूल है, अयोध्या बाईपास पे है, कोलार रोड पे है, हमने वहां पे भी बच्चों के देख के कि वो 6 घंटे ऑनलाइन नहीं आए रोज, उसके हिसाब से हमने उनकी क्लासेस भी डिवाइड करी। हम सुबह कुछ क्लासेस लेते थे, शाम को एक्टिविटी क्लासेस लेते थे, ताकि वो लोग एंगेज रहें पूरे टाइम। उनको हम असाइनमेंट ऑनलाइन देते थे और उनसे हम फीडबैक भी ऑनलाइन लेते थे। तो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर भोपाल हो, SIRT भोपाल हो, या तो फिर हमारे स्कूल हो, हर जगह पे हमने बहुत सिस्टमैटिकली अपना स्केड्यूल बनाया अकॉर्डिंग टू कोरोना।
एक्चुअली जब हम लोगों ने ये करना शुरू करा तो सबसे बड़ी चैलेंज हमको ये मिला कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उन बच्चों को थोड़ा असर हुआ क्योंकि वो ऑनलाइन जब आते थे या तो अच्छे से उनको सुनाई नहीं दे पा रहा था या तो वो बोल नहीं पा रहे थे, और सिर्फ ये इंटरनेट की वजह से हो पा रहा था। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, अभी काफी और पैनलिस्ट जहां पे मैं गई हूँ वहां पे मैंने एक ही करा है, मैं सबसे है कि गवर्नमेंट्स वगैरह से भी रिक्वेस्ट है, टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे जगहों पे जाके हमको यूपी में एमपी में भी छोटे जगह गांव जाके हमको वहां पे ये फैसिलिटी देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि डिजिटल इंडिया में अगर इंटरनेट नहीं ठीक हो तो बच्चों को अफेक्ट होगा उससे। रेवेन्यू तो बहुत ऑनेस्टली कहूँ तो रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि हम रियल एस्टेट से बात करें तो हमारे एकदम से रिकवरी जो होती है हमने जो कर दिया है उस पर रिड्यूस हुई है। साथ ही में स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, ये भी थोड़े पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत, अब मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा जो इकोनॉमी में आने वाला है वो अनएम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सारे लोग इस समय जो कंपनीज ने निकाल दिए हैं या तो फिर लीव पे हैं, उन लोग की वजह से वो लोग फीस शायद नहीं दे पा रहे हों, कुछ कर रहे हों, और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सोचिए जब आप इतने बड़े ग्रुप को संभालते हैं और आपके पास फीस नहीं है, हमारा और एजुकेशन में सोर्स ही फीस होता है, तो अगर वो नहीं आएगा तो सैलरी कैसे देंगे। तो मैं सबसे यही उम्मीद है, हम लोग भी अभी ट्यूशन फी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग, हमारे पूरी संस्थाएं वैसी चल रही हैं अभी, और जैसे ही पेरेंट्स, सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए फीस भी अगर आप देंगे तो पूरी इकोनॉमी चल पाएगी। साथ ही मैं, आपने एक बात करी थी सर कि ये तो मैंने बात करी लागत आने और जाने की, बट अगर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंपेयर करूं तो फिजिकल सर मेरी कॉन्फ्रेंस अगर मैं करती थी तो उसके लिए मुझे फंड लेने पड़ते थे, उसको डिस्पर्समेंट बिल लगाने पड़ते थे, स्पीकर्स को बुलाने का आना पड़ता था, कार्ड खाना देना पड़ता था जो सब आ रहे हैं, सब चीज होती थी। अब सर ओनली ऑनोरियम स्पीकर्स के लिए बहुत कॉस्टियम हो गई है ऑनलाइन से, एंड इट इज सच अ गुड थिंग। हमारे पास, हमने अभी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया था SIRT कॉलेज में, 1000 से ज्यादा फैकल्टीज आई थी सर, एंड फ्रॉम 3 अदर कंट्रीज ऑल्सो, हमारे पास मतलब 4 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन था उसमें, एंड इट वॉज वेरी बजट फ्रेंडली, एंड ऑल बिकॉज की ऑनलाइन अभी इस टाइम पे जो फैसिलिटीज हैं वो हमको फ्री में अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स को तो बहुत फ्रेंडली हैं सर, वो हमेशा से, हमसे ज्यादा हमेशा से फ्रेंडली रहे हैं, वो सोशल मीडिया लो यार आप ऑनलाइन बोलो, तो हमारी टीचर्स ने सीखा है अब ऑनलाइन कैसे यूज करते हैं, बच्चों को, हाँ बच्चों को तो आता था, टीचर्स ने भी, हमने पूरे अप्रैल में हर एक हमारे जो मेंबर है सेज ग्रुप का उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बाई मंथली, हर एक इंसान को, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक के कैटेगरी डी मतलब पीयून ड्राइवर्स तक की भी हम बाय मंथली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनको, दो काइंड की, एक होती है फंक्शनल ट्रेनिंग, उनका काम अगर आप हो तो काम अपना कैसे अच्छा करो, और एक होती है बिहेवियरल ट्रेनिंग, आप इंसान कैसे और अच्छे बनो, तो ये दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अप्रैल में हमने हमारी फंक्शनल ट्रेनिंग में टेक्निकल ट्रेनिंग करवाई हर किसी की, आप अपने सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का जो है वे कैसे यूज करेंगे, वेबएक्स कैसे यूज करेंगे, जूम कैसे यूज करेंगे, फेसबुक लाइव कैसे यूज करेंगे, ये सब चीजें हमने उनको सिखाई, हमने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग की वजह से हमारे अभी बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, आज सुबह ही मैं एक वर्कशॉप में गई थी, फार्मेसी करवा रहे हैं, तो ये सारे हमारे मुमकिन हो पाया, और बच्चे तो बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं सर, हमसे ज्यादा अच्छे से अडाप्ट करते हैं वो लोग। हमने शुरू शुरू में स्टार्ट करा था फेसबुक लाइव से, हमारे बहुत सारे उसमें चल रहे हैं, वेबएक्स पे चल रहा है, बाकी और प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं, हम लोग जूम भी यूज करते हैं, गाइडलाइंस जो आई थी गवर्नमेंट की उसमें वो पूरे हम लोग सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए यूज करते हैं, तो हम लोग ने लाइसेंस्ड वर्जन लेके रखा है उसका, यहाँ पे भी इंदौर में भी, तो हमने लाइसेंस्ड वर्जन से जब हम करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी भी ठीक रहती है और साथ में हमारा जो पर्पस है वो भी फुलफिल होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग कभी भी ऑनलाइन में नहीं प्रोवाइड हो सकती सर, मतलब अगर आप बुक पढ़ लो कि हाउ टू स्विम, बट जब तक जाके स्विम नहीं करो आप नहीं अच्छे स्विमर बन पाओगे, तो यही आप लोग को इसके लिए प्रैक्टिकल लर्निंग हो गई, फार्मेसी में, मैकेनिकल में, सिविल में, हर किसी के लिए हम लोग ऑनलाइन तो कर दें, मशीन दिखा दे वो इंसान चला के, बट जब तक बच्चा आके खुद के हाथ से नहीं करेगा
उसको उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा वो। तो लैब के लिए जरूर अभी भी सब बच्चों को कॉलेज आना बहुत जरूरी है, और इसकी वजह से ऑनलाइन कभी भी ओवर पास नहीं कर सकता ऑफलाइन को। ऑफलाइन अपनी इंपॉर्टेंस हमेशा बनाए रखेगा, क्योंकि ऑनलाइन में स्टूडेंट इंटरेक्शन अमंगस्ट देमसेल्व्स, एक कल्चर, होलिस्टिक कल्चर नहीं मिलता है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज आने की बहुत जरूरत पड़ती है। हम लोग ने जब ये खुलेगा, हम लोग सोच रहे हैं शायद सितंबर या अक्टूबर में बच्चे आना शुरू होंगे, हम लोग ने टोटल सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पालन करते हुए गेट पे भी, जब वो इंस्टीट्यूट में घुसे तब भी पूरे उनके चेक होगी, गेट पे ही उनका थर्मोमीटर से, थर्मल स्क्रीनिंग से उनका टेम्परेचर लिखा जाएगा और उनको एंट्री प्रोवाइड करा है। तो ये चीजें भी हमारे इंटरनल बनी, साथ ही में इंटरनल जो हम लोग हमारी तरफ से देते हैं, तो हमने इंटरनल एग्जाम्स अभी भी करवाए हैं और ऑनलाइन करवाए हैं। ऑनलाइन हमने उनको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं और उनसे असाइनमेंट लिए हैं। जो प्रोसेस होती है वो बहुत अच्छे से हुआ हमारा, बच्चों ने बहुत अच्छे से सामने सामने हमारे भरा वो फॉर्म और हमको वो मिला वापस, बहुत अच्छा हुआ। जब एक्चुअल में बच्चा आएगा, अब जैसे आरजीवीवी ने निकाला है, 8 सेम का एग्जाम उनके होने वाले हैं शुरू, एग्जाम फॉर्म फॉरवर्डिंग चल रही है, तो जैसे ही ये हमारे होंगे तो पूरी गाइडलाइंस हमारे पास आई हैं कि आपका ये होना चाहिए हर बच्चे का ये, तो ऑफकोर्स हमको ये पूरा कंप्लीट करके रखना पड़ेगा और पूरे प्रिकॉशन के साथ हर एक बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छे से सैनिटाइज्ड एनवायरमेंट में लिया जाएगा। भविष्य किसी भी चीज की अति खराब होती है, ये मैंने सीखा है बचपन से। तो हमको, जैसे मैं कंपनी में सर 2 साल पहले सिंगापुर से स्टडीज करके आई थी, और तब जब मैं यहाँ पे आई, मुझे यहाँ पे मेरे पापा इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी ने, हमारे एजुकेशन के जो वाइस चेयरमैन है, प्रो चांसलर सेज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रशांत जैन, इन सब ने बहुत अच्छे से सिखाई चीजें कि इट्स ऑलवेज अ ब्लेंडेड लर्निंग। किसी चीज में अच्छाई होती है, बस जरूरी नहीं आप सिर्फ वो करो। मैं आई एक न्यू बड, न्यू ब्लड, न्यू एनर्जी, साथ ही में मुझे यहाँ पे 40-50-60 साल लोगों का एक्सपीरियंस मिला। तो क्या हुआ, दोनों को साथ में मिला के हम लोग एक नई प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। हमने अभी कोरोना वायरस में क्या सीखा, पेंडेमिक में ऑनलाइन सब चीजें ऑनलाइन, हमारे पास एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस इसका है, फिजिकल एजुकेशन का, बच्चा आके कैसे उसका पढ़ाया जाए, नया समय है इन दोनों को मिलाना। तो इन दोनों को मिला के जब हम बच्चे को एक्सपर्टीज देंगे, कभी भी हमारे लिए बच्चा अगर बाहर भी चले गया, आउटसाइड स्टेट से जो आता है, हमारे लिए दूर कभी नहीं होगा वो। तो हम लोग यही अप्रोच लगेंगे अब फ्यूचर में, कभी भी अगर फिजिकल बच्चा नहीं आ पा रहा है तो हम उसका ऑनलाइन वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जो उसके मैक्सिमम प्रोवाइड कर पा रहे हो। बट ऑफकोर्स ऑफलाइन विल नेवर, पहले जैसे मैंने कहा था, विल नेवर लूज इट्स इंपॉर्टेंस। ऑनलाइन आप डिग्री भी दे सकते हो, अभी तो हमको यूजीसी ने भी बोल दिया है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आप डिग्री दे सकते हैं ऑनलाइन, बट हमेशा ऑफलाइन डिग्रीज विल नेवर लूज इट इंपॉर्टेंस, बिकॉज इन्वायरमेंट जो आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है, जो आप वहां पे लर्निंग करते हैं, वो ऑनलाइन लर्निंग नहीं। मैं अपने सेज के स्टूडेंट्स और बाकी हर एक इंसान से जो इस वीडियो को देख रहा है, एक ही चीज बोलूंगी कि डरो मत। हम लोग सीखो, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखो, बट अगर आप इस बार कोरोना नहीं, आपका डर आपको मारेगा, तो प्लीज अपने आप को पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए इन्फॉर्म्ड रहें। आप अगर डेथ रेट देखेंगे तो रोड एक्सीडेंट से ज्यादा डेथ्स होती हैं कोरोना से, तो रोड एक्सीडेंट का मीडिया क्या रोज दिखाती है, इतनी 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 इतनी। तो ये सबसे है कि पॉजिटिव न्यूज देखें, प्रिकॉशंस लें और डरे नहीं। देखना हमेशा हर बार होता है, 18 साल बाद शायद हमको याद भी नहीं हो ये, बट इस समय जितनों भी आपके हैं लोग ऐसे एनवायरमेंट में हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को हेल्प करें और दूसरों की भी हेल्प करें जिनको अवेयरनेस उतनी नहीं हो। थैंक यू। तो आपने सुना सेज ग्रुप की साक्षी को किस तरह से उन्होंने टिप्स दिए हैं कोरोना से लड़ने के लिए और साथ ही बच्चों को पढ़ाई के लिए।